पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दीपावली पर रोशनी का बाजार गुलजार है, स्वदेशी के साथ विदेशी सामान की भी भरमार है। देशी सामान से रोशन कर घर में उजियारा तो होगा ही, बल्कि उन लोगों के घर में भी दीपावली मनाई जा सकेगी जो मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में ला रहे हैं। मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन की सिविल लाइन स्थित मैसोनिक लॉज में हुई बैठक में चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की शपथ ली गई। तय किया गया कि लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। दीपावली पर चाइनीज पटाखे और लाइटें नहीं जलाई जाएंगी। इसके साथ ही फाउंडेशन अध्यक्ष शिवेंद्र जैन को मातृ शोक और राजेश वर्मा को पितृ शोक में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। महासचिव रणजीत सिंह बग्गा, संरक्षक नीता धमीजा, विदु माथुर, मुकेश माथुर, राकेश नारंग, गौरव आहूजा, सुमित सेठी, रचित रस्तोगी, किशन कक्कड़, अवधेश शर्मा, संजय शर्मा, राकेश वर्मा, यश रस्तोगी मौजूद रहे। लोगों ने इसमें चाइनीज लाइटों के और चाइनीज पटाखों के बहिष्कार के लिए लोगों का आह्वान किया है, क्योंकि चाइनीज लाइटें और ये चाइनीज पटाखे देखने में सुंदर भी हैं, सस्ते भी हैं, और ये पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर इनके परिणाम आते हैं, और अर्थव्यवस्था को लेकर भी ये मतलब परेशान करते हैं। हमारे व्यापारी जो साल भर मेहनत करते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वह इन टाइम पर चाइनीज वाले आके मार्केट में कैप्चर कर कब्जा कर लेते हैं। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, हम लोगों ने शपथ के माध्यम से लोगों को अवेयर किया है, और सभी मेंबर्स आगे जाके लोगों को अवेयर करेंगे कि किसी भी तरह से चाइनीज प्रोडक्ट का यूज़ ना करें। तो सभी से मेरा इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को जितना दूर रह सके बचें, क्योंकि ये पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है।